एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो ये ताल प्रकरण चल रहा है जिसकी दो वीडियोस हो चुकी हैं, दो वीडियो क्लास हो गई हैं, ये तीसरी वीडियो क्लास है। और इससे पहले राग प्रकरण हुआ है और वो उसकी 7 या 8 वीडियो क्लास हुई है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। उससे पहले काफ़ी चीज़ें हुई हैं, स्वरलिपि हुई है, आदि चीज़ें हुई हैं, वो भी आप जाके ज़रूर देखें। ये TGT और PGT के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही मैं करवा रहा हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 306, आज भी हम 15 क्वेश्चन करेंगे। तो ध्रुपद गायन में किस ताल का प्रयोग होता है? क 3 ताल, ख 4 ताल, ग दीपचंदी या घ दादरा। तो पूछ रहा है ध्रुपद में, ठीक है। तो ध्रुपद में जिस ताल का प्रयोग होता है उसे हम कहते हैं 4 ताल, ठीक है। 4 ताल का प्रयोग होता है ध्रुपद गायन में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 307, सूल ताल, 4 ताल, मत एवं तीव्रा तालों का प्रयोग किस गायन शैली में होता है? क ख्याल, ख तराना, ग ठुमरी या घ ध्रुपद। ऐसे में आपको एक भी ताल के बारे में पता होता है तो आपको पता चल जाएगा कि किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है घ ध्रुपद, ठीक है। ध्रुपद का प्रयोग, ध्रुपद में जो मुख्य ताले हैं वो सबसे मुख्य ताल 4 ताल है, ठीक है। और सूल ताल, मत, तीव्रा, इन तालों को आप अलग से एक नोटबुक में लिख लीजिए ध्रुपद करके, इन तालों का प्रयोग होता है, ठीक है। क्योंकि 4 ताल तो ज्यादातर में पूछा जाता है वैसे, लेकिन ज्यादा उम्मीद है कि अलग अलग तरह के पूछे, क्योंकि टफ बनाने के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि तीव्रा डाला जा सकता है, मत डाला जा सकता है, सूल ताल डाला जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 308, धमार गायन शैली के साथ किस ताल का प्रयोग होता है? क 3 ताल, ख झप ताल, ग रूपक ताल या घ धमार ताल। तो इसका जो सही आंसर है वो है धमार ताल, ठीक है। धमार गायन शैली में धमार ही ताल का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 309, दीपचंदी तथा पंजाबी तालों का अधिक प्रयोग किस गायन शैली में होता है? क लोकगीत, ख तराना, ग ठुमरी या घ सुगम संगीत। सही आंसर है इसका ठुमरी। देखो, दीपचंदी और पंजाबी तालों का अधिक प्रयोग ठुमरी में किया जाता है, ठीक है। लोकगीत में नहीं किया जाता, तराना में नहीं किया जाता ज्यादा प्रयोग, सुगम संगीत में भी नहीं होता, ठुमरी में। ठुमरी तो अलग से मानी जाती है, दीपचंदी जो ताल है वो अलग से ही मानी जाती है ठुमरी के लिए, ठीक है। तो इनका प्रयोग ठुमरी में किया जाता है, इन दोनों तालों का। अगर आप ये जितने कम से कम 7 वीडियोज होंगी जो ताल प्रकरण में बनेंगी, अगर आप ये कर लोगे तो आपको ताल को लेकर आप फ्री हो जाओगे, कोई भी अलग से क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ी वीडियो वो भी हो जाए, 7-8 वीडियो हो सकती है, वीडियो क्लास हो। क्वेश्चन नंबर 310, किस गायन शैली में अधिकांश दीपचंदी, दादरा, तीव्रा एवं पस्तो तालों का प्रयोग होता है? क गजल, ख तराना, ग लोकगीत या घ बड़ा ख्याल। सही आंसर है इसका क गजल होगा इसका, ठीक है। देखो, दीपचंदी, दादरा, तीव्रा, इपस्तो तालों का प्रयोग गजल में होता है,
बड़ा ख्याल में तो होगा नहीं इन सबका प्रयोग, लोकगीत में भी इनका सबका प्रयोग नहीं होता, तीव्रा का प्रयोग या पस्तो इन तालों का बहुत कम प्रयोग होता है, तराना में एक दो तालों का प्रयोग हो भी जाता है वरना नहीं होता इनमें से, ठीक है। तो सीधे इसका जो बनेगा वो बनेगा गजल। आगे चलते हैं, अब ये देखिए निम्नलिखित ठेका का ताल बताएं, टक धिन धागे तिन, फिर अवग्रह लगा हुआ है और ऑप्शन है आपके दीपचंदी तीवरा, पस्तो ताल और चार ताल। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है ग, ये पस्तो ताल है, ठीक है, ये पस्तो ताल के है। आप इसे लिख सकते हैं इस ताल को ताकि आपको याद रहे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 312, ती ती ना धी ना धी ना किस ताल का ठेका है, क झपताल, ख तीव्रा ताल, ग रूपक ताल या घ दादरा ताल। तो क्या है तो इसका बताइए, झपताल, तीव्रा, रूपक और दादरा, इसमें से कौन सी ताल है। तो ये जो ताल है ग रूपक ताल है, ये इसे ती ती ना धी ना धी ना भी कहते हैं और बहुत सारे लोग तिन तिन ना धिन ना धिन ना ऐसे भी बोलते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 313, धा दिन ता टे टे कत गदी घन, ठेका किस ताल के हैं, क झपताल, ख तीव्रा, ग चार ताल या घ मत ताल। धा दिन ता टेट कट गदी घन, ठीक है। तो ये जो ताल है इसका सही आंसर होगा ख, ये तीव्रा ताल है, ठीक है, ये तीव्रा ताल के बोल है। जब भी आप ऐसे होगा तो उसके चिन्ह भी देखा कीजिए, जब कंफ्यूजन होती है तो चिन्ह भी इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं पे दो बोल निकाल के आपको दे देंगे, दो विभाग ही सिर्फ देंगे एक ताल के, कोई भी एक ताल के दो ही विभाग निकाल के आपके दे देंगे और आपको पूछ देंगे ये कौन सा ताल है। तो उसमें आप क्या करोगे, उसके चिन्ह देखोगे, ऐसे कंडीशन में उसके चिन्ह देखना, ये तो सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 314, धा धा दिन ता किट धा टिट कत गदी गन धा, ठेका किस ताल का है, क सूल ताल, ख चार ताल, ग दीपचंदी या घ तिलवाड़ा। तो इसका जो सही आंसर है वो है क सूल ताल है। इसमें और चार ताल में थोड़ा ही सा फर्क होता है। अब जैसे इसमें देखो क्या है कि धा धा दिन ता किट धा टिट कत गदी गन, यहाँ पे बस आप धा धा दिन ता किट धा दिन ता लगा दोगे इसमें तो ये बन जाएगा आपका दिन ता लगा दोगे, उसके बाद यहां से बोलोगे तो ये हो जाएगा चार ताल, धा धा दिन ता किट धा दिन ता टिट कत गदी गन धा, चार ताल हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये है वैसे सूल ताल, ये है क्वेश्चन नंबर 315, वह कौन सा ताल है जिसकी मात्राएं 28 तथा विभाग 14 हैं, क मत ताल, ख राज झंपा,
ग ब्रह्मताल, घ तिलवाड़ा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ग ब्रह्मताल। ये सीधे आप याद रखना, 28 मात्रा की सबसे बड़ी ये ताल है, ओके। इसमें 14 विभाग हैं, दो दो करके 14 को इंटू करोगे 2 से 28 आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 316। धा धा दिन ता किट धा टिट कद गदी शन क तिलवाड़ा, ख मत, ग धमार या घ सूलताल। तो इसका जो सही आंसर है वह है सूलताल है। क्वेश्चन नंबर 317। प्राचीन काल में ताल की कितनी जातियां थी, क 3, ख 4, ग 5 या घ 7। इसका सही आंसर है ख 4। प्राचीन काल में ताल की 4 जातियां थी, ठीक है। अब जातियां तो वैसे 3 है, लेकिन आंसर इसका 4 है इसमें, तो अभी हम 4 ही लगा रहे हैं। वैसे 3 होती है जातियां, औड़व साड़व संपूर्ण, लेकिन ये दूसरे हिसाब से हो बता रहे हैं किसी। मैं रिसर्च करूंगा इस पे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। इसका अभी हम 4 ही मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 318। निम्नलिखित स्वरा अलंकार किस ताल में निबद्ध है, सारे कम पधनीसा सानी धप म ग रेसा, झप ताल में या दादरा में या तीन ताल में या रूपक में। तो ये जो सही आंसर होगा इसका ग होगा, ये 3 ताल में है, ठीक है। 4-4 करके विभाग है और इसकी जो चिन्ह है वो भी सेम है, ठीक है। अगर इसमें देखो रूपक दादरा ये इतनी 16 मात्रा की तो है ही नहीं। मान लो इसमें से कोई ऐसी ताल होती जो 16 मात्रा की भी होती, ये भी है और कोई और होती, बड़ी सवाल या कुछ और होता, तो उसमें चिन्ह आप देखते, या कोई और होता ताल तो उसमें आप देखते उसके चिन्ह देखते, या उसके विभाग, मान लो विभाग भी अगर सेम है तो आपको चिन्ह देखना चाहिए, जरूरी है। मेरा कहने का मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर 319। निम्नलिखित स्वरालंकार किस ताल के अंतर्गत है, अब ये दिया हुआ है सारे ग वे ग सा, उसके नीचे ग म प धनी सा चिन्ह दे रखा है उसका, नीचे क रूपक ख दादरा ग एक ताल या घ झप ताल। सबसे पहले ना ऐसी चीजों में आप उसकी मात्रा गिन लिया करो, ठीक है। अब उसकी मात्रा कितनी है, इसकी जो मात्रा है ये देखिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब देखिए इनमें से 6 मात्रा किसमें है, तो 6 मात्रा किसमें है, तो रूपक में कितनी होती है 7, एक ताल में कितनी होती है 12, झप ताल में कितनी होती है 10, तो 6 मात्रा होती है दादरा में। ख इसका सही आंसर होगा। आज का अंतिम प्रश्न, किस ताल के कलात्मक बंदिश को क्या कहते हैं, किसी ताल के कलात्मक बंदिश को क्या कहते हैं,
का बोल ख जरब ग गत या घ कायदा। तो उसको कहते हैं गत। ओके, किसी ताल के कलात्मक बंदिश को गत कहेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो आज के लिए पहले इतना ही, और आज के जो 15 क्वेश्चन थे वो हो चुके हैं। और मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं, अप्रिशिएट कीजिए। बाकी जो भी आपका फीडबैक होता है वो आप मुझे बताइए, और मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। बाकी सारी चीजें हो रही हैं, अच्छी खासी हो रही हैं चीजें, और मुझे उम्मीद है आप सबको अच्छा लग रहा है। और हमारा टेलीग्राम है, टेलीग्राम का जो नाम है वो है ऑल म्यूजिक एग्जाम। ठीक है, ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से टेलीग्राम है। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं, या आप टेलीग्राम को डाउनलोड करके सर्च में जाके ऑल म्यूजिक एग्जाम लिखोगे जो सबसे पहले आएगा, बग वहां पे ज्वाइन हो जाना आप। और काफी लोग वहां से जुड़े हुए हैं, आपस में बात करते हैं, उनसे उनकी नॉलेज बढ़ती है, बाकी बहुत चीजें उनकी जो प्रॉब्लम होती है वो बातें रखते हैं। एक होता है कि क्लासमेट जो होता है एक दूसरे से बात करेंगे तो सारी चीजें सॉल्व होती हैं धीरे धीरे करके। तो सब एक साथ मिलते हैं और क्लास एक बनाते हैं ताकि हम एक दूसरे की हेल्प कर पाए। और जो भी वैकेंसीज आती हैं गवर्नमेंट की, प्राइवेट की, इंस्टीट्यूट सब की, वो मैं यहाँ पे बताता ही हूँ और बताता ही रहूँगा। बाकी कोई भी और चीज़ हो तो वो आप मुझसे बता सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।